जो ये प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये बहुत ही कॉमन दिक्कत है। अक्सर जो पेशेंट है ना मेरी क्लिनिक पर आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि सर जब भी हम खाना खाते हैं ना तो दांतों के बीच में खाना जरूर फंस जाता है और जब तक वो निकलता नहीं है बड़ी परेशानी होती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि दांतों के बीच में खाना क्यों फंस जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, तो आप देख रहे हैं इंडियन ट्रैवल ब्लॉग। जब भी आप किसी शादी पार्टी या दावत में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना होता है और बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों में समस्या है, जब भी खाना खाएंगे लो फिर फंस गया, तो आप क्या करते हैं, जो लकड़ी की सीख होती है उसको लेके खोदना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दिक्कतें क्यों आती हैं, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो है स्पेसिंग बिटवीन द टू टीथ, मतलब कि दो दांतों के बीच में स्पेस रहता है। हमारे जो दांत होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, मतलब कि ऐसे जॉइंट नहीं है, सब दांतों के बीच में स्पेसिंग होती है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरडेंटल स्पेस। कुछ लोगों में जो स्पेस होती है एकदम टाइट होता है, जहां पे खाना वाना कुछ नहीं फंसता, आराम से आप खाना चबा सकते हैं। कुछ लोगों में जो दो दांतों के बीच की जो स्पेसिंग है वो हल्की सी जो है हल्की सी ज्यादा होती है, वहां पे क्या होता है खाना तो नहीं फंसता लेकिन जो पतले से रेशे होते हैं वो सब जो है फंस जाता है। और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा स्पेसिंग होती है जिसमें जो कि खाना ही पूरा फंस जाता है। दूसरी जो समस्या है ना वो है आपके टूथ की जो अलाइनमेंट है ना वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि जो आपके दांत ना एकदम सीधा सीधा रो में नहीं है, पता लगा एक दांत सीधा है, एक दांत ऐसे टेढ़ा है, एक दांत आगे है, एक दांत पीछे है। इस तरीके से क्या होता है एक नेचुरल स्पेसिंग बन जाती है, जिसमें क्या होता है प्रॉपर तरीके से आप ब्रश भी नहीं कर पाते हैं और खाना जो है अक्सर फंसा रहता है। तीसरी जो समस्या है ना आपके दांतों में कैविटी होना। क्या होता है जब आप खाना खाते हैं तो आपके दांतों में क्या होता है अक्सर थोड़ा बहुत खाना जो है फंस जाता है या चिपक जाता है। ब्रश करना दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉर्निंग में कर लीजिए और रात में कर लीजिए। रात वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे दिन आप खाना खाते हो, वही खाना खा के आप सो जाते हो, आपके दांतों में जो है खाना थोड़ा बहुत अपना चिपका रहता है और हमारे खाने में स्टार्च और शुगर होता है जो कि बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो क्या होता है रात में जब आप सोते हो सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है, बैक्टीरिया जाके जहां खाना चिपका है वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है टूथ की जिसे हम बोलते हैं इनेमिल, वो क्या होता है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और आपके दांतों में कैविटी हो जाती है। खाना फंसने का एक और कारण होता है हार्ड ब्रशिंग। जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आप ब्रश करते हो, आप जब ब्रश करते हो तो बहुत तेजी से करते हो, फटाफट, मतलब कि बस कहीं ट्रेन छूट रही है जल्दी करो और भागो। ब्रश करने का सही तरीका होता है, अगर आपने गलत ढंग से ब्रश कर रहे हैं तो आपके दांत जो है घिसने लगते हैं, दांतों की जो परत है वो हटने लगती है और जब परत हटेगी तो आपको सर्वाइकल एब्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और वहां पे खाना फंसने लगेगा। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटिक है या थायराइड की प्रॉब्लम है, इन पेशेंटों में ज्यादातर देखा गया है कि मसूड़ों की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, मसूड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, टाइट नहीं रहते हैं, धीरे धीरे नीचे खिसकने लगते हैं, रिसीड होने लगते हैं, जिसकी वजह से दो दांतों के बीच में स्पेसिंग बन जाती है। अगर स्पेसिंग बन गई तो खाना फंसेगा ही फंसेगा। अगर आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया है कि खाना हमारे दांतों में क्यों फंसता है तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब आप बोलोगे सर आपने रीजन तो बता दिया, कारण तो बता दिया, उपाय तो बताइए, तो उपाय के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।